गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पल्पा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं और इंडिया में हमारा पहला स्टॉप हमने बताया था बुटवल। लेकिन बेसिकली बात यह हो गई कि हम बुटवल नहीं पहुंच पाए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, नींद भी आ रही थी, तो बुटवल नहीं पहुँचे। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपनी बाइक के बारे में। ये देख लो भैया, ये है बाइक। मतलब ऐसा हो गया है कि इंजन मेरा हो गया है पीला। तो बाइक को तो सख्त ज़रूरत है पूरे अच्छे से वॉशिंग की। और अगर मैं बात करूं कि हम कहां पे ठहरे हुए थे, रूम हमारा कैसा था, तो एक बारी मैं आपको रूम दिखाता हूं। ये है अपना रूम, ये है अपना बॉन्ड बाइकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। मेरा भी नाम है शुभम। और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SJ व्लॉग्स। ये अपना बेड है, सब कुछ फिलहाल पैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। आंटी बाय। 814 किलोमीटर दिल्ली और 17 घंटे 5 मिनट। बॉर्डर तो क्रॉस कर सकते हैं। टाइम हो रहा है अभी 11:44। एज यूजुअल लेट। चढ़ जा मेरे शेर। शेर चढ़ गया और आंखें बंद हो गया। हर राइड पे अपनी बाइक एक माइलस्टोन टच करती है। इस राइड पे बाइक ने पूरे कर लिए हैं 25,000 किलोमीटर। अभी फ़िलहाल 25,180 किलोमीटर ऑडोमीटर पे शो कर रहा है और घर से चले हुए 1724 किलोमीटर हुए हैं और अभी 1800 और मतलब 2500 किलोमीटर की टोटल राइड। एंड दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट वीडियो ऑफ नेपाल राइड। तो नेपाल के लोगों के बारे में कहना चाहूँगा, इट वॉज़ माई वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच नेपाल फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, स्पेशली पोखरा। उसके बाद भी जहाँ जहाँ हम रुके वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। मतलब कुछ भी ऐसा चांस नहीं हुआ कि हाँ हमारे साथ कुछ भी एक चीज़ भी गलत हुआ हो। वेरी हेल्पफुल पीपल। आपने देखा मेरी नंबर प्लेट टूट गई थी, कैसे बंदे ने अपना टाइम निकाल के लोगों को वेट करवा के पहले मेरा काम किया। रात में कैसे हमें करीब 10-11 बजे हमें लोग मिले, जो कि हम जहां बुरी तरह से फंस गए थे वहां पे हमें स्टे मिला। फिर उसके बाद अगर आप बात करो तो जो विमल भाई हैं हमारे, विमल भाई फ्रॉम होटल होमलैंड पोखरा, ही इज़ अ जेम पर्सन। विमल ब्रो, इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आपने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा एंड मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छे लोग मिलेंगे नेपाल में। I would say Nepal, you are gem. Thank you so much. तो I'll come again. फिर से आएंगे नेपाल और इस बारी कुछ अलग तरीके से नेपाल को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छे अच्छे जगह जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे और अपने चैनल पर लाएंगे। ये जो तरीका है, ये जो बात करने का तरीका है, ये विमल भाई से मैंने सीखा है। विमल भाई मेरे से ऐसे ही बात करते थे। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि एवरी मॉर्निंग जब हम सो के उठते थे, विमल भाई हमारे पास आते थे और कहते थे आज हम ये करेंगे, आज हम यहाँ जाएंगे। उनके पास पहले से प्लान्स होते थे कि आपको आज की वीडियो किस तरह से बनानी है, क्या वीडियो में दिखाना है, सब कुछ। तो यार इतना कोई मतलब एक परदेश जिसको कहते हैं, एक दूसरे कंट्री का पीपल, दूसरे कंट्री के लोग अगर आके इस तरह से आपको हेल्प करते हैं, वॉट बेटर देन दिस मैन। थैंक यू सो मच, बिग थम्स अप फॉर विमल तिवारी एंड His whole family man है। तो अब पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं, बुटवल आ चुके हैं हम। और अगर मैं नेपाल में आपको बात करूं कि नेपाल में स्टे कैसा है, तो गाइज नेपाल में स्टे बहुत सस्ता है। खाना थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है, जैसे इंडिया में है वैसा है, लेकिन जो स्टे है बॉस वो बहुत सस्ता है। इनफैक्ट ये सोच लो 200-300 रुपये पर पर्सन में आप रह लोगे। तो यार अभी हमने एक स्टॉप लिया है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे, तो स्प्राइट पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। नेपाल में कौन सी जगह एग्जैक्ट पता नहीं, पर यहाँ से किलोमीटर दिल्ली का है 709 और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यार देखो मेरी बाइक का मड़गाड़ गया ही था, इसकी कभी चला गया। तो भाई लोग सीन हो गया है, मड़गाड़ वहाँ उड़ के चला गया यार। चलो पकड़ के लाते हैं उसको। नंबर प्लेट भी भाई जाने वाला है, बस इंडिया पहुंच जाऊं भाई।
तो ये रहा अपना मडगार्ड। यहाँ क्या कर रहे हो भाई, हमारे साथ आओ, हमारे साथ चलो इंडिया, चलो ले चलेंगे तुम्हें इंडिया। तो यार ये देख रहे हो, ये मेरे मित्र की हालत है, तो हमने सोचा हमारी भी हालत ऐसी होनी चाहिए। शीशों की भी सेम हालत है, शीशों की भी सेम हालत है भाई। घर वाले कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे उसका क्यों नहीं टूटा। देखो जी सबका टूटा। कोई बाइक रिपेयर शॉप मिलेगा आसपास? क्या एक्शन हुआ? अरे ये टूट गया। ये बताओ आगे बाइक रिपेयर मिलेगा कहीं? दो किलोमीटर आगे। और इधर? इधर इधर चले जाओ ना। क्या ये गिर गया? हाँ जाओ जाओ। क्या क्या बोल रहा था वो ट्रैफिक? वो पूछ रहा था क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ बोलना। क्यों? चोर है, चोर पैसा लो बहुत मांगता है। पैसा मांगता है? किस चीज़? गिर गया। क्यों गिर गया? पैसा लो बोलता है। हाँ नेपाल पुलिस ऐसे है? नेपाल कचड़ा है, कचड़ा है, कचड़ा है। हाँ इंडिया में तो ठीक ठाक है। ना ना इंडिया में तो ऐसे सारा जगह ऐसे है। ट्रैफिक सारे जगह ट्रैफिक पुलिस है। बस है चोर होते। इंडिया कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से? दिल्ली में ये लोग काम करने के लिए जाता है, काम मिला दो। ये लोग, ये पुलिस वालों ने आपसे भी पैसे लिए कभी? हाँ हमारा बाइक भी इधर उधर जाएगा था। बस मतलब क्यों पैसे लेते? मैं जो वहाँ रुका हुआ था। ऐसे करके पैसे कर लेते हैं, ये तो गलत है। एक किलोमीटर है और आगे 54। चलो ठीक है यार, थैंक यू थैंक यू। ठीक है ओके भाई। भैया दो नट खोलने हैं, खोल देना जरा। तो यार यहाँ पे अभी हमने वेल्डिंग करवा दिया है सब कुछ, और थोड़े दो चार नट भी ढीले हुए थे वो भी टाइट कराया। ये वही जगह है कुसुम, यहाँ से अभी नेपालगंज चलते हैं। होप सो भाई कैसे टुकड़ों में ना पहुँचे इंडिया मुस्तांग करने के बाद। यस कहाँ से आ रहा हूँ हम? पल्पा से। पल्पा से? हाँ पल्पा से आया। कौन सा बार गया जाए? कौन सा बार गया? कौन सा कहाँ से आया हूँ? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहा है? नहीं दिल्ली से इधर से आए जा रहे दिल्ली। इधर हाँ कितना बार आ रहा है? सोनौली से एंटर करा हमने, मुस्तांग घूमा, अब दिल्ली जा रहे हैं इधर से नेपालगंज से। दो आदमी है? हाँ। यू वांट टू चेक ऑल दिस? क्या है? ये मेरा बैग है, इसमें कपड़े हैं, इसमें लैपटॉप है, इसमें 108 धारा का पानी है, दैट्स इट। मुक्तिनाथ जी का पानी है, मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ जी का टेंपल है छोटा सा, और बुद्ध जी का स्टैचू है। लुम्बिनी? हाँ लुम्बिनी के? नहीं वहाँ नहीं गए ना। सारी चीज़ें एक साथ घूम ले तो फिर अगली बार फिर नेपाल के आएंगे। ओके सो शुड वी गो और यू वांट टू चेक ऑल दिस? यू कैन चेक ब्रो, देयर इज नथिंग लाइक राइस। हाँ चावल? हाँ चावल खाते हैं। क्या खा रहा है वो? थकाली थाली मिलता है ना। पूरे रास्ते वही मिला है। कहाँ पे खाया था? कुछ हर जगह थकाली थाली खाया है भाई, हर जगह एवरीवेयर। हाँ जी हाँ जी हाँ। हमारी एक बुकिंग है होटल अतिथि ओयो से। हाँ जी कितने आदमी? दो लोग। तो हमने रात में स्टे ले लिया था होटल अनमोल कोलपुर में। अब यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सारे काम हो गए, बस एक काम रह रहा है अब, खाना खाने का अंतिम काम। और फिर से प्लान में चेंज है। हमने सोचा था सुबह सुबह कि हम चले जाएंगे ये टाइगर रिजर्व एरिया, जो आगे जो एक बदरिया नेशनल समथिंग पार्क है उधर से, लेकिन
काइंड ऑफ रिस्की है हमारे पास आज का ही भंसार है, आगे फिर पता नहीं अगर आगे कुछ फंस जाते हैं तो भंसार का सीन हो सकता है। सो अगर यहाँ से इंडिया बॉर्डर पास है, सो वी आर एंटरिंग इंडिया टुडे। और ये बोलते ही भाई साहब इंडिया का नाम बोलते ही मेरे पूरे गूज बम्प आ गए। गाइस ट्रस्ट मी, इंडिया इंडिया है और सारी कंट्रीज अलग है। मतलब जो फीलिंग आपको ऐसा इंडिया से आता है ना, अगर आप इंडियन हो, आई एम डैम श्योर अगर आप नेपाल से देख रहे हो तो आपको वही फील नेपाल से भी आएगा, बट स्टिल फॉर अस, फॉर इंडियंस, इंडिया इंडिया है बॉस। मतलब इंडिया में एंटर करते हैं आई नो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएगी ना कि हाँ यार आप तो अपनी कंट्री में यार अपने लोगों के पास है। यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे अपने को मिलते हैं जो अपने को नहीं जानते, नो डाउट नेपाली पीपल आर वेरी हेल्पफुल, बट स्टिल स्टिल इंडिया इंडिया है यार। इंडिया बॉर्डर यही है तो जैसे जो पैसे बच जाते हैं वो एक्सचेंज कहाँ कराऊं पैसे के लिए? हाँ नेपाली आईसी कराऊं। हाँ आगे भी वहाँ बैठा है आदमी, यहाँ तो एक्सचेंज मनी एक्सचेंज नहीं है। आगे है वैसे आगे कितने दूर तक नेपाली करेंसी एक्सेप्ट होती है? 1 किलोमीटर आगे है। 1 किलोमीटर तक होता है ना? आगे जैसे चौक है। हाँ आगे पेट्रोल पंप भी है क्या? आगे पेट्रोल पंप भी है क्या? आगे उधर तो नेपाली करेंसी एक्सेप्ट नहीं होता। ये पीछे है आपकी। अच्छा भंसार चेक वगैरह किधर होता है? भंसार चेक वगैरह जैसे हम एग्जिट ले रहे हैं तो भंसार चेक किधर होता है? यहीं पे होता है आगे होता है? आगे होता है, यहाँ नेपाल का लास्ट यहीं है। अच्छा इंडिया वाले करेंगे? इंडिया वाले वहाँ है, इंडिया करोगे आप? अच्छा आप नहीं करोगे? हमारा मैं भी करना है तो करोगे आप? कहाँ से करा है? बहुत बहुत जल्दी पूछ लिया। कहाँ से आए? हम लोग तो मुस्तांग से आए। मुस्तांग? हम्म। हाँ जी वो आज गया कराया था ही? नहीं नहीं 15 दिन के लिए, MC 15 days। सो गाइज फाइनली वी आर एंटरिंग इंडिया, दिस इज़ द गेट ऑफ नेपाल। और अब आगे मे बी दिस इज लाइक नो मैंस लैंड होगा ये। यहाँ पे इंडिया किधर है? 1 किलोमीटर आगे तक है क्या? अभी एक और आया था क्या? अच्छा अच्छा आप भंसार चेक करोगे? नहीं सर आप कहाँ से क्या सामान है? अच्छा बैग चेक करोगे? पीछे भी करो अभी भी करोगे? मतलब पीछे भी करो अभी भी करोगे? वो नेपाल हुआ ना सही है। अच्छा ये इंडिया है? ये इंडिया। अरे सर सर हाथ तो मिलाओ। 15 दिन बाद इंडिया आ रहा हूँ, कर लो चेक करना चाहो तो। वैसे बता दो इसमें बैग है, लैपटॉप है, इसमें कैमरा वैमरा है? अच्छा एक चीज मुझे बता दो फिर, मुझे थोड़े बहुत मेरे पास नेपाली करेंसी है, उधर चेंज किधर होगा? आपके पास? वो तो बंदा खड़ा है ना। हाँ वो चेंज करेगा। अच्छा अच्छा वो कुछ पैसे वैसे भी काटेगा? हाँ वो बच्चा काटता है। ये है हमारा सामान, ये सारा हमारा है, हम कुछ भी नेपाल से नहीं लेके आए हैं। मैं सर वैसे दिल्ली रहता हूँ पर मेरा नेटिव प्लेस बिहार है। ये मेरा ड्रोन है, कैमरा, ठीक है। अब हम आपको बैग दिखाते हैं। तो यार फाइनली हम एंटर कर चुके हैं इंडिया, मेरी बाइक यहाँ है, सामान वगैरह सब कुछ चेक हो गया। सर से मिले, सर आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार जी से हम मिले। और अब इंडिया एंटर फाइनली ऑफिशियली हो चुके हैं। थोड़ा बहुत नेपाली कैश है जो कि वहाँ पे मैं एक्सचेंज करवा के, अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ। नेपाली को इंडियन में आप करते हो क्या? क्या है आपके, क्या एक्स्ट्रा लेते हो? 2 रुपया लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। अरे कुछ भी हो, 1000 हो, 500 हो। 500 भी नहीं है, 100-200 है। 20, 50, 20, 70, 20, 90, 20, 110, 120, 130, 140, 160। 5 रुपया हो ना? नहीं सर यही है, अब 10 रुपया है इंडियन, बस यही बचा, नेपाल कंगाल कर दिया। 160 रुपये का कितना आएगा? अरे वो 165 का 100, लेकिन आप ले जाइए। चलिए थैंक यू सर। इधर आओ सर, देखो नेपाल से आए और अभी फिलहाल वैसे दिल्ली जा रहे थे और हमें रास्ते में बहुत सारे लोग मिले हैं जो कि SSP से हैं और नेपाल बॉर्डर पे। आप बताओ थोड़ा अपने बारे में बताओ।
देखा था पहले कभी? देखा है। और आपकी देख रहे नाम हम बताओ थोड़ा। मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश, आपका नाम? देवेंद्र सिंह। आपका सर? मोहित कुमार। सारे आप एक बहुत बढ़िया भाई, सैल्यूट है आप लोगों को। तो यार सैल्यूट है। ठीक है सर, फिर मिलेंगे यार। तो यार देखो, अभी टाइम आ गया है कि अपना बॉन्ड बाइकर चला जाएगा पंजाब चंडीगढ़, और मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तो अभी क्या करना है, अभी ये चला जाएगा किधर से, मुरादाबाद, बिजनौर, उसके बाद जहाँ पे भी गूगल मैप दिखाएगा वहीं से। और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा यार, देखो हम लोग पूरी राइड एक साथ करते हैं। लोन रेंजर की जैकेट भी दोनों की एक सेम है। सेम जैकेट, सेम सेम बाइक, सेम चीज तुड़वाते हैं, सेम चीज तुड़वाते हैं, जगह गिरते हैं। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया तो भाई को भी सब्सक्राइब। बिल्कुल यार, 6 लाख सब्सक्राइबर है, 10% भी आ जाओगे तो बहुत है भाई, 60,000। तो यार आप प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल। और मुझे नहीं करा है तो मुझे भी कर लो, चैनल पे घंटी दबा देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार हम दोनों को, SJ Vlog SSS बोन बाइकर एस के। तो सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। अभी यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और सच बताऊँ तो रेन हमें पागल बना रहा है। जो बारिश है वो हमें पागल बना रहा है। कैसे, जब हम रेनकोट डाल लेते हैं तो बारिश रुक जाती है, जब रेनकोट निकाल लेते हैं तो बारिश हो जाती है, और रेनकोट डालने के बाद गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब सीधा मिलते हैं आपको दिल्ली में। एक चीज और भाई, राइड करके बहुत मजा आया, बहुत लंबी राइड थी हम लोगों की, और भाई मन नहीं कर रहा यार छोड़ने का हमने। बहुत मजा आया यार इस बार, बहुत अच्छी राइड थी। तो चलते हैं अभी आगे, कंटिन्यू यही करेगा, मैं चलता हूँ। अगर पूरी मेरी कंटिन्यूएशन देखनी है तो मेरे चैनल पे आगे देखना, अब ये करेगा। ओके भाई, अबे उछल रहा है। ओके भाई, गले तो मिल ले यार, गले मिल लो। मुस्तांग कर लिया रे हमने, मुस्तांग कंप्लीटेड, मतलब हल्की बात नहीं है, समझ रहे, लद्दाख का बाप। चलो ओके भाई, मिलते हैं अब आपको आगे।